हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं बताऊंगी आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे प्लांट जो कि पोल्यूशन को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे ये स्नेक प्लांट्स। अभी हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है दिवाली के बाद। तो अगर आप पोल्यूशन से बचना चाहते हैं, एयर को प्यूरीफाई करना चाहते हैं, तो महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदने की बजाय आप स्नेक प्लांट को खरीद सकते हैं। आप इन्हें इंडोर में और आउटडोर में दोनों जगह लगा सकते हैं। चलिए कुछ और दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये भी काफ़ी हेल्दी और ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं मेरे। ये है इन सभी का मदर प्लांट। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने घर के कोने में एक या दो प्लांट रख लें और आपकी जो घर की हवा है वो शुद्ध हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत सारे प्लांट्स लगाने होंगे जो आपके आसपास की हवा को और आपके घर के अंदर की हवा को शुद्ध कर सकें, क्योंकि ये मशीन नहीं है, ये नेचुरल तरीका है। प्लांट जितनी हवा अपने अंदर ले सकते हैं, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, उतने ही लेंगे। अपनी क्षमता से ज़्यादा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको या फिर किसी भी हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ दूसरा प्लांट। ये है मेरा डायफनबेकिया का प्लांट, और ये देखिए ये वाला और ये, और इसके साथ ही यहाँ पर लगे हैं मेरे ये सारे प्लांट। इन सभी को मैंने कटिंग से रेडी किया है, ये देखिए। और ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ब्यूटी और साथ के साथ शुद्धता भी रहे आपके घर में, तो इस प्लांट को अपने घर में ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी प्लांट एक नहीं है, मैं हमेशा प्लांट्स दो या चार से अधिक लगाती हूँ, ताकि प्लांट्स हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा एयर को प्यूरीफाई कर सकें। इसके बाद है ये देखिए लेडी पाम, इसको भी बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट माना जाता है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में कोई प्लांट ऐसा हो जो सालों साल चले, कम केयर में चले और हवा को शुद्ध करे, तो ये बेस्ट है। ये मेरे पास दो प्लांट्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन इसको हम प्रोपगेट करके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने एक ही प्लांट लिया था और उससे दो प्लांट बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसके बाद अगला प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मॉन्स्टेरा का प्लांट। ये मैंने रोड साइड पे किसी के घर के आगे लगा हुआ था, तो वहाँ से मैंने कटिंग ली थी। और इसका मदर प्लांट है ये देखिए। इसकी पत्तियाँ इस तरीके की हो जाती हैं, कट जाती हैं जब इसकी पत्तियों का साइज़ बड़ा हो जाता है। अगर पत्तियों का साइज़ छोटा है तो कटिंग इसमें नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जब ये मेरा प्लांट ज़्यादा बड़ा हो गया था, देखिए यहाँ से, तो मैंने इसको कट करके और यहाँ पे इसको लगा दिया था, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है अब मेरा प्लांट। और इसमें मुझे एक सपोर्ट स्टिक देनी है। इसके बाद ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है अपने आप से ही ग्रो हो गया था। शायद ये पिलखन का प्लांट है जो रोड साइड पे होते हैं। हमारे घर के बाहर एक प्लांट है, उसी में से कोई बीज यहाँ पे गिरा दिया होगा किसी बर्ड ने, तो ये प्लांट यहाँ पे उग गया है। ये भी एक काफ़ी अच्छा प्लांट है। रोड साइड पे रहने वाले प्लांट वही लगाए जाते हैं रोड साइड पे, जो हार्डी होते हैं और एयर को प्यूरीफाई करते हैं। इसके बाद है हमारे ये देखिए, ये है मनी प्लांट। और इसको मैंने जो पुरानी झाड़ू होती है और बोरी होती है उससे एक सपोर्ट स्टिक बना के इसके ऊपर चढ़ा दिया है। काफ़ी अच्छे से ये ग्रो भी हो गई है, देखिए नीचे भी। एक और मैंने खुद से ही DIY करके सपोर्ट स्टिक बनाई हुई है इसके लिए, और ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है मनी प्लांट। लीव्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है मेरा ये। इसके बाद ये देखिए, अगर हवा को शुद्ध करना है तो एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं होता है, हाँ, लेकिन अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लेंगे तो आपको ज़रूर महंगी मिलेगी। अगर छोटे से पॉलीथीन बैग में लेंगे तो 30-40 रुपये का या 25 रुपये का भी आपको मिल सकता है। इसके बाद सॉन्ग ऑफ इंडिया, मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है इस टाइम, ख़राब हो गया है थोड़ा सा, तो सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट माना जाता है। और उसके बाद है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम देखिए, जो
जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं दिवाली पे निकली हुई, उनको मैंने यूज़ किया है। इस तरीके से ट्री गार्डन बनाया है। और सिंगोनियम दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे पास ढेर सारे सिंगोनियम के प्लांट्स हैं अलग अलग तरह के। देखिए ये अलग तरह का है, इसकी लीव्स देखिए ये अलग है, और ये वाला जो है इसमें पिंक लाइन है ये अलग है, और ये जो है ये वाला जो है देसी वाला है और ये भी अलग है। ये जब मैंने लिए थे तो इनकी लीव्स काफ़ी छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो इनकी लीव्स के साइज़ बढ़ते गए। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया देखिए, मैंने उसी प्लांट में से कटिंग लेके लगाई थी, और बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, और घर में रखेंगे तो आपके घर में हवा को शुद्ध करेगा, लेकिन आप इसे टोटल इनडोर बिल्कुल भी ना रखें। इसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ और प्लांट्स रखे हैं, और यह है तुलसी का प्लांट। तुलसी का प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर लगाएं, अगर है तो एक नहीं ढेर सारे प्लांट्स आप ऐसे लगाएं तुलसी के, जो 24 घंटे आपको अच्छी शुद्ध हवा दें। इसके बाद जो स्नेक प्लांट है ड्वार्फ वाला, ये देखिए कितने सारे हैं मेरे पास, ये मैंने प्रोपिगेट करके अलग किए थे, काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने बनाए थे। ये देखिए एक उनमें से ये है, एक वहाँ पर था वो जो दिखाए मैंने आपको, इसके बाद एक है ये वाला, और एक है ये वाला। एक तो और रखे हैं, 5-6 प्लांट मैंने रेडी किए थे, और ये पूरी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। तो दोस्तों अगर हवा को शुद्ध करना है तो एक दो पौधा लगा के हम अपनी हवा को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, हमें बल्क में प्लांट्स लगाने होंगे। जितना आपके पास स्पेस है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ढेर सारे प्लांट्स लगाएं। मनी प्लांट कटिंग से रेडी किए हुए हैं सारे, ये कूलर की घास है देखिए, और इसके बाद ये देखिए ये मेरा प्लांट था, गर्मी में ख़राब हो गया था, फर्न का, बॉस्टन फर्न का, लेकिन मैंने जो बचे हुए थे उसमें हरी पत्तियाँ उनको निकाल के लगा दिया जिसमें रूट्स थी, और अब अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये एक और मेरा कॉर्नर है देखिए, ढेरों प्लांट्स इसमें लगे हुए हैं। इसके बाद स्पाइडर प्लांट अभी मैंने दिखाया था, ये मदर प्लांट है, मेरे पास ढेर सारे हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने अपने टेरेस पर पहुंचा दिए हैं। और वैसे तो सभी प्लांट्स हमारे एयर को प्यूरीफाई करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में ख़ास बात होती है जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं और ज़्यादा हवा को शुद्ध करते हैं, तो उनमें से ही एक है ये एरिका पाम। देखिए काफ़ी बड़ा है मेरा प्लांट, सभी प्लांट्स के बीच में फंसा हुआ है। और चंपा के प्लांट्स हैं ये देखिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो कि बेस्ट एयर प्यूरीफायर माने जाते हैं प्लांट्स, वो हैं ये फाइकस के प्लांट्स। आज मैंने प्लांट्स पानी के का छिड़काव नहीं किया है अपने प्लांट्स पे, तो प्लांट्स गंदे नज़र आ रहे हैं। और इस टाइम आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपके प्लांट्स बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें, क्योंकि जितने साफ़ सुथरे आपके प्लांट्स रहेंगे उतनी ही हवा को शुद्ध करेंगे। ये देखिए पूरी रो है मेरे पास यहाँ पर, मैं यहाँ से दिखाती हूँ ज़रा आपको, ये देखिए पूरी रो मैंने ऐसे बनाई हुई है। अभी इनकी कटिंग करके मैं हेज जैसे बना दूँगी, और ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। यहाँ पर मेरा कपड़े सुखाने का तार बीच में आ गया है फ्रेंड्स, ये देखिए ये सारे ही फाइकस के प्लांट्स हैं मेरे। यहाँ पे दो और हैं फाइकस के प्लांट्स, ये भी बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं। ये देखिए एक ये है इधर, और इनके मदर प्लांट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है वो मदर प्लांट, ये है बेंजामिन फाइकस, और इसके पीछे देखिए कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं इसकी पे। ये है इनका मदर प्लांट, पीछे छुप गया है सारा का सारा ही। और इसके बाद अगर आप कोई ऐसा प्लांट चाहते हैं जो कि काफ़ी बड़ा हो, खूबसूरत हो, तो ये है बनियान ट्री। देखिए मेरा बनियान ट्री कितना बड़ा हो गया है, मैंने हमारे घर के बैकयार्ड में से इसको दीवार में से निकाला था, और जब मैंने इसे निकाला था तो मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतना अच्छा ग्रो हो जाएगा। अभी इसकी ये जो छोटे छोटे दो प्लांट्स थे मैंने दोनों को ही एक में लगा दिया था। देखिए एक दो लीव्स इसके नीचे से सूख गई हैं, ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत बेहद खूबसूरत। अगर आप बनियान ट्री फ्री में चाहते हैं
तो आप रोड साइड पर देखें, कहीं ना कहीं आपको बनियान ट्री लगा हुआ ज़रूर नज़र आ जाएगा, किसी भी दीवार में, किसी भी नाली के पास। ये जो है फाइकस फैमिली से बिलोंग करता है बनियान ट्री, जो है और दिन रात ऑक्सीजन देता है। आपने देखा होगा कि रोड साइड पे बड़े बड़े बनियान ट्री लगाए जाते हैं क्योंकि ये हवा को शुद्ध करते हैं। तो जो डेविल्स बैकबोन है, जिसको कि पेडिलेंथस भी बोलते हैं, काफ़ी घने होते हैं, हार्डी होते हैं, ये भी हवा को बहुत अच्छा प्योरीफाई करते हैं। देखिए, मेरे पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं और प्लांट ज़्यादा ही होने चाहिए, प्लांट्स की कोई लिमिट नहीं होती है। फ्रेंड्स, ये देखिए सारे में लगे हैं सिंगोनियम। जैसे ही पोल्यूशन की कोई लिमिट नहीं है आज के टाइम में, उसी तरीके से प्लांट्स की भी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा ना सोचें आपने 2, 4, 10, 5 पौधे लगा लिए हैं तो काफ़ी हो गया है। नहीं फ्रेंड्स, जितना हो सके आप उतने प्लांट्स लगाएं, क्योंकि प्लांट्स हमें हमेशा देते ही हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं। ये मैंने एक मैंगो ट्री लगाया है, देखिए गुठली से ही ग्रो किया था फ्रेंड्स। अब इसमें फल आएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा काफ़ी है। देखिए 7 फुट के करीब ये हो गया है, लेकिन है बहुत अच्छा। आप इसे पूजा वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताए कुछ ऐसे प्लांट जो कि हवा को शुद्ध करते हैं। अभी चल रहा है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन वाला मौसम, तो इस मौसम में आप ऐड करें प्लांट्स को, अगर पहले से हैं तो उनकी देखभाल करें, उन्हें और ढेर सारे प्लांट्स बनाएं प्रोपगेट कर करके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।